हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हम हैं खुशकिस्मत, हमारा कितना अच्छा पीर है। अगर आप अपने आप को खुशकिस्मत और खुशनसीब समझते हैं, ज़रा बोल दें सुभान अल्लाह। बड़ी तेज़ी के साथ वक्त गुजर रहा है, अब बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान से आपको मुलाकात करनी। हम हैं खुशकिस्मत, हमारा कितना अच्छा पीर है। जन्नतुल फिरदौस जिसके बाप की जागीर है। हम हैं खुशकिस्मत, हमारा कितना अच्छा पीर है। जन्नतुल फिरदौस जिसके बाप की जागीर है। और ये हैं औलादे पैगंबर, इनकी ये तासीर है। बच्चे बच्चे में मिजाजे हजरते शब्बीर है। ये हैं औलादे पैगंबर, इनकी ये तासीर है। बच्चे बच्चे में मिजाजे हजरते शब्बीर है। देखकर अनवारे मिल्लत को यही कहता है दिल, इनके कदमों में हमारे ख्वाब की ताबीर है। इनके कदमों में हमारे ख्वाब की ताबीर है। हजरात, ये तमाम तर पाकीज़ा तकरीबात मुकम्मल हुई। आप इन तमाम तर मुकद्दस सादात के नूरानी चेहरों की ज़ियारत फरमा रहे हैं। कायदे मिल्लत हुजूर सैयद मोहम्मद अनवार नदीमुल कादरी साहब के ब्लाक के बिल्कुल बगल में जो आप एक सादा सा वजूद देख रहे हैं, ये देखने में तो बहुत सादा हैं, मगर ये वही हैं कि जिनके बारे में कहा गया था कि ज़रा संभल के फ़कीरों पे तबसरा करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से पीते हैं। आलम इस्लाम की वो कदीम और अबकरी वो खानकाह के जिस खानकाह को वजह वजूद मारहरा कहा जाए तो हक बजानिब होगा। जिस खानकाह ने इस कौम को, आलम इस्लाम को आला हजरत जैसा अजीम कीमती हीरा दिया, बिलग्राम शरीफ की वही अजीम शान खानकाह वाहिदिया तैयबिया बिलग्राम शरीफ, जहां पहुँच कर वक्त का मुजद्दिद सरकार आला हजरत बस्ती के बाहर ही अपने जूते निकालते और नंगे पैर हाजिर होते और सैयदना सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के दरबार में हाजिर होके अर्ज करते हैं कि अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतराम बिलग्राम, अब्द वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। और आगे लिखते हैं आला हजरत के आसमां ऐनक लगाकर महरो माह की देख ले, आसमां ऐनक लगाकर महरो माह की देख ले, जलवे अनवारे हक हैं सुबह शामे बिलग्राम। उसी अजीम शान खानकाह के साहिब सजादा की हैसियत से, वहां के बुजुर्गों की विरासत के वारिस की हैसियत से, वहां के अपने अजदाद की अमानतों के अमीन की हैसियत से हुजूर पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत आज के इस अजीम शान आवाज़े हक कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी की हैसियत से यहाँ जलवागर हैं। मैं तमाम तर अहले चूरू और बिलखसूस खानकाह कादरिया इनायतिया की जानिब से हजरत का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ इन तमाम तर सादात इकराम की मौजूदगी में। अब आइए उस अजीम शान खतीब के करीब होते हैं जिसे अदब का शहजादा, मिंबर का ताजमहल, खिताबतों का बेताज बादशाह, शहनशाह खिताबत, खतीबुल हिंद, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अश्शाह सैयद शागिल इमाम साहिब क़िबला हैदराबाद के नाम से जाना और पहचाना जाता है। और आप देख रहे हैं कि करीब ही में आलम इस्लाम की वो पाकीज़ा आवाज़ जिसे शायर अहले सुन्नत मद्दाह रसूल हजरत असद इकबाल कलकत्तवी कहा जाता है, बहुत जल्द इंशाअल्लाह हम और आप उनके करीब होंगे। आइए सैयद शागिल इमाम साहिब क़िबला का इस्तकबाल करें, अपने हाथों को मोहब्बत से बुलंद कर लेना रहे तकबीर। थोड़ा सा बेदार हो जाएं, ये तमाम तर सादात इकराम के पाकीज़ा चेहरे आपकी निगाहों के सामने हैं, इनको देखें और इन्हें गवाह बनाते हुए नारा बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आवाज़े हक कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, खानदाने मौलाए कायनात, खानकाहे कादरिया इनायतिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जब तक जले चराग मुसलसल हवा चले, कितना है दम चराग में ये तो पता चले। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दा अलफलाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबियन व आदमु बैनल माई वत्तीन। अम्मा बाद, फऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين शहनशीन पर जलवा अफरोज पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत खुशबुए बिलग्राम शरीफ हुजूर सैयदी सुहैल मियां कादरी अदामल्लाहु फ़ुयूदा इमामुल अइम्मा कायद मिल्लत हज़रत सैयदी अनवार नदीमुल कादरी अदामल्लाहु फ़ुयूदा शहज़ादे हुज़ूर कायद मिल्लत हज़रत सैयदी अशाह ग़ुलाम मुस्तफ़ा कादरी अदामल्लाहु फ़ुयूदा खानकाहे शर्फिया खानकाहे शर्फी चमन हैदराबाद की सरज़मीन से तशरीफ़ लाए हुई बाविकार मुनकसिरुल मिजाज शख्सियत हज़रत सैयदी अशाह कादिम मुहियुद्दीन कादरी साहब क़िबला अदामल्लाहु फ़ुयूदहुम दीगर उलमाए ज़वील एहतराम अइम्मा मसाजिद असातज़े मदारिस मेरे रूबरू तशरीफ़ फरमा उशाकान सैयदी रोशन अली कादरी अलैहि रहमतु व रिदवान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु आए सबसे पहले उस बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें जिनकी शान ये है कि बंदा एक बार अगर उस बारगाह में दुरूद पढ़े तो अल्लाह उस बंदे के 10 गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इस यकीन से पढ़ें कि दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान कान लाले करामत पे लाखों सलाम हम यहाँ से पढ़ें वो वहाँ से सुने मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम पूरा मजमा इस यकीन से पढ़े कि ग़ुलाम पढ़ते हैं आका सुनते हैं बुलंदवा से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व सनदना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम वालिही वबारिक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातों व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्लम। बहुत मुख्तसर सा वक्त लेकिन ये मेरे लिए शरफ की बात है कि उस मिंबर नूर पर लबकुशाई की सआदत हासिल कर रहा हूँ कि जिस मिंबर नूर की सरपरस्ती ज़ाहरी तौर पर तो सादात कराम फरमा रहे हैं लेकिन रूहानी तौर पर हुजूर सैयदी रोशन अली कादरी फरमा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए खुशाई की जसारत और सादत और एक हुक्म है और उस हुक्म की तकमील करूं फिर से एक बार पूरा मजमा पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व सनदना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिही व बारिक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका व आलिक वसल्लम। अल्लामा सैयदी इश्तियाक आलम ज़िया शाहबाज़ी फरमाते हैं कि न मैं मदीने में अजनबी हूँ न कुवे सरकार अजनबी है न मैं मदीने में अजनबी हूँ न कुवे सरकार अजनबी है कसम है ए नस्बत ग़ुलामी ये खाक मुझ में रची बसी है। आप क्या बोलेंगे बुलंद आवाज़ से क्या बोलेंगे? जो मेहमान बनकर आया है वो न बोले, जो आशिक बनकर आया है वो बोलेगा सुभानअल्लाह। मेहमानों से कोई तकलीफ़ का मुतालबा नहीं, मेहमान तकलीफ़ ना करें, जो ग़ुलाम बनकर आया वो बोलेगा सुभानअल्लाह। और बुलंद आवाज़ से बोलें सुभानअल्लाह। न मैं मदीने में अजनबी हूँ न कुए सरकार अजनबी है कसम है नस्बत ग़ुलामी ये खाक मुझ में रची बसी है मेरे अमल मुझसे कह रहे हैं तू दो जखी है तू दो जखी है। हुजूर सैयदी रोशन अली कादरी से कितने लोग मोहब्बत करते हैं बुलंद आवाज़ से कितने लोग मोहब्बत करते हैं?
बाकी लोग नहीं करते, हाथों को बुलंद करके शेर देखेंगे कि न मैं मदीने में अजनबी हूँ न कुए सरकार अजनबी है, कसम है निस्बते गुलामी ये खाक मुझ में रची बसी है, मेरे अमल मुझसे कह रहे हैं तू दोज़खी है तू दोज़खी है, मगर ये कहती है उनकी निस्बत तू जन्नती है तू जन्नती, मेरे अमल मुझसे कह रहे हैं तू दोज़खी है तू दोज़खी है, मगर ये कहती है उनकी निस्बत, आपके मुंह में घी शक्कर बुलंद आवाज से, मगर ये कहती है उनकी निस्बत, पूरा मजमा बोलेगा, मगर ये कहती है उनकी निस्बत तू जन्नती है तू जन्नती है, और न छेड़ तकरार कुफर ईमा न थाम नजदी मेरा गरेबा, न छेड़ तकरार कुफर ईमा न थाम नजदी मेरा गरेबा, तेरा वजीफा खुदा खुदा है मेरा वजीफा नबी नबी है, तेरा वजीफा खुदा खुदा है, दुआएं चाहिए, तेरा वजीफा खुदा खुदा है मेरा वजीफा, जिसका वजीफा होगा हाथ बुलंद करके बोलेगा मेरा वजीफा मेरा वजीफा, जिसका अकीदा है वो हाथों को बुलंद करके बोलेगा मेरा वजीफा मेरा वजीफा, तेरा वजीफा खुदा खुदा है मेरा वजीफा, हाथ कहाँ है आपके, मेरा वजीफा और बुलंद आवाज़ से ना मेरा वजीफा, जो हमारे बुजुर्ग हजरात बैठे हुए इनका वजीफा भी नबी नबी है, बुलंद आवाज़ से मेरा वजीफा, आप उलमा को देखें ये बोलेंगे मेरा वजीफा, मेरे अमल मुझसे कह रहे हैं तू दोज़खी है तू दोज़खी है, मगर ये कहती है उनकी निस्बत तू जन्नती है तू जन्नती है, न छेड़ तकरार कुफर ईमा न थाम नजदी मेरा गरेबा, तेरा वजीफा खुदा खुदा है मेरा वजीफा, हाथ बुलंद करके ना मेरा वजीफा। अच्छा, आपके सीने में जितनी ताकत है हुजूर के नाम पर बुलंद होना चाहिए, और ये न डरे कि आपकी आवाज़ बैठ जाएगी, मैं तो दुआ करता हूँ कि इतना नबी नबी बोले कि आवाज़ बैठ जाए, और कल कोई पूछे कि आवाज़ क्यों बैठी, कहना कि पता नहीं रात में हमने जिक्र मुस्तफ़ा बुलंद किया था, हाथों को बुलंद करके मेरा वजीफा, हाथों को बुलंद करके मेरा वजीफा, आजा सुन्नी देख जरा हर सिमत फजा में नबी नबी, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलज़ैब हवा में गुलज़ैब हवा में गुलज़ैब हवा में, कौन नबी कौन नबी, अलिफ से लो इंसान नबी, बेसे कामिल बुरहान नबी, तैसे ततहीर की जान नबी, तैसे सकलैन की शान नबी, हर मख्फी बात का राज नबी, है जीम से पाक जवाज नबी, मकदूर नबी तकदीर नबी, ऐसे हक की तस्वीर नबी, कैसे खत्मुर रसूल नबी, खालिक का शहकार नबी, पैकर हुस्न जमाल नबी, दाल से दिल के पास नबी, जाल से जहनी आस नबी, रा से रहबर अराल नबी, जा से है जाहिद भी नबी, बेबदल नबी बेमिसल नबी, मेरा सीन से है साकी भी नबी, सच्चा सुच्चा काफी भी नबी, शीन से है शाफे भी नबी, साथ से सादिक दिक्र नबी, साथ से जामिन फिक्र नबी, ता से तरफैन में नूर नबी, ता से पुरनूर जहूर नबी, ऐन से ऐनुल हक है नबी, गैन से गनी मुगनी भी नबी, फा से फदले रब्बी भी नबी, मेरा काफ से किबला नबी नबी है, काफ से काबा, ओए सुनियो बुलंद आवाज़ से, है काफ से किबला नबी नबी है, काफ से काबा, हाथों को बुलंद करके है काफ से काबा है काफ से काबा, कौन नबी, गरलाम से पूछो क्या है नबी, लौलाक की पाक फजा है नबी, मीम से मोहम्मद नाम है नबी, नून से नूर कुरा भी नबी, वौ से चेहरे वद्दोहा नबी, या से अदुल्ला साहब नबी, ईमान नबी ईकान नबी सुल्तान नबी मेरी जान नबी, हम सुन्नी की पहचान हम सुन्नी की पहचान हम सुन्नी की पहचान, कौन नबी कौन नबी, कौन ऐन नबी के कदमों में, दारैन नबी के कदमों में, सिबतैन नबी के कदमों में, सकलैन नबी के कदमों में, हसनैन नबी के कदमों में, सिद्दीक नबी के कदमों में, फारूक नबी के कदमों में, उस्मान नबी के कदमों में, हैदर भी नबी के कदमों में, बूसर भी नबी के कदमों में, तलहा भी नबी के कदमों में, हमजा भी नबी के कदमों में, हमजा भी नबी के कदमों में, कौन नबी, सिद्दीक का आका नबी नबी, फारूक का आका नबी नबी, उस्मान का आका नबी नबी, हैदर का आका नबी नबी, जहरा के बाबा नबी नबी, हसनैन के नाना हसनैन के नाना हसनैन के नाना,
कौन नबी, कौन नबी, कौन है नबी के कदमों में, दारैन नबी के कदमों में, शिवतैन नबी के कदमों में, सकलैन नबी के कदमों में, हसनैन नबी के कदमों में, सिद्दीक नबी के कदमों में, फारूक नबी के कदमों में, उस्मान नबी के कदमों में, हैदर भी नबी के कदमों में, बूजर भी नबी के कदमों में, तलहा भी नबी के कदमों में, हमजा भी नबी के कदमों में, कौन नबी, तकदीर नबी के कदमों में, तौकीर नबी के कदमों में, तासीर नबी के कदमों में, तनवीर नबी के कदमों में, शब्बीर नबी के कदमों में, हर पीर नबी के कदमों में, कौन नबी, कलियों की चटक में नबी नबी, फूलों की महक में नबी नबी, चिड़िए की चहक में नबी नबी, मौसम की धनक में नबी नबी, बिन बादल के बरसात नबी, हर आशिक की है नात नबी। आजा सुन्नी देख जरा, आजा सुन्नी देख जरा, हर सिमत फजा में, हर सिमत फजा में, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलजार हवा में, कौन नबी, हामिद हम्माद हमीद नबी, उम्मीद नबी, ताईद नबी, महताब नबी, तारों में नबी, प्यारों में नबी, चारों में नबी, चारों में नबी, सारों में नबी, कुरान तेरे पारों में नबी, हम सुन्नी के नारों में नबी। आजा सुन्नी देख जरा, हर सिमत फजा में, बुलंद आवाज से, हर सिमत फजा में, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलजैब हवा में, गुलजैब हवा में, कौन नबी, हामिद हम्माद हमीद नबी, उम्मीद नबी, ताईद नबी, महताब नबी, तारों में नबी, प्यारों में नबी, यारों में नबी, चारों में नबी, सारों में नबी, कुरान तेरे पारों में नबी, कुरान तेरे पारों में नबी, हम सुन्नी के नारों में नबी, कौन नबी, मेरे गौस के लब पर नबी नबी, मेरा ख्वाजा बोले नबी नबी, है रजा की ज़बान पर नबी नबी, अनवार के लब पर नबी नबी, मुफ्ती आजम बोले नबी नबी, ताज शरिया बोले नबी नबी, रोशन अली पीर बोले नबी नबी, हर सुन्नी बोले नबी नबी, हर आशिक बोले नबी नबी, हर हाफिज बोले नबी नबी, हर कारी बोले नबी नबी, कौन नबी, जहरा के बाबा नबी नबी, हसनैन के नाना नबी नबी, बटकों का सहारा नबी नबी, डूबों का किनारा नबी नबी, यतीमों का माबा नबी नबी, मुफलिस का मलजा नबी नबी, काबे का काबा नबी नबी, किबले का किबला नबी नबी, काबे का जौहर नबी नबी, काबे का तेवर नबी नबी, काबे का सेवर नबी नबी, और याद रखे नजदीयत वहाबियत देवबंदियत, तू कब्र से पहले जो कर ले है कब्र के अंदर, बुलंदवा से है कब्र के अंदर, जिसका अकीदा है बोलेगा है कब्र के अंदर, है कब्र के अंदर। हो सकता है कि कल चाय का प्याला सामने रखकर दो चार उर्दू की किताबें पढ़ लेने वाले भोले भाले सुन्नी मुसलमानों को बहकाने के लिए इस जुमले को पेश करें कि है कब्र के अंदर नबी नबी, कहां से आ गया, कहां से आ गया, ये पता चलेगा। दुनिया में हम मोहब्बत करते हैं, शौहर बीवी से मोहब्बत करता है, बीवी शौहर से मोहब्बत करती है, दोस्त दोस्त से मोहब्बत करता है, भाई भाई से मोहब्बत करता है, बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, माँ अपने बच्चों से मोहब्बत करती है, उस्ताद अपने शागिर्द से मोहब्बत करता है, पीर और मुर्शिद अपने चाहने वालों से मोहब्बत करते हैं, सारी मोहब्बतें सलामत, सारी मोहब्बतें सलामत। लेकिन इस मोहब्बत का दम भरने वालों, जरा सोचो तो सही कि कब्र के अंदर नबी नबी कैसे है। आपको उस वक्त पता चलेगा कि जब एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसे कंधे पे उठाकर उसकी आखिरी आरामगाह और आखिरी मंजिल तक उसे पहुंचा दिया गया, उसे आखिरी मंजिल तक पहुंचा दिया गया, नमाज जनाजा अदा कर दी गई, कब्र में दफन कर दिया गया। कब्र में दफन करते वक्त उस बाप को लाया जाए जिसने अपनी जवानी की कमाई अपने बच्चों पे कुर्बान कर दी है, उस बाप को लाया जाए कि जिसने अपनी जिंदगी का सुख चैन अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए गुजार दिया हो। पूछा जाए आज तेरा लख्त जिगर कब्र में अकेला और तन्हा है, तन्हाई का आलम होगा, कब्र में अंधेरा होगा, तारीकी होगी, उसका साथ देने वाला कोई नहीं। तू बेटे से मोहब्बत तो करता है लेकिन कब्र के अंदर अकेलापन होगा, जा उसकी तन्हाई को दूर करने के लिए एक रात उसके साथ कब्र में लेट जा, सीने पे हाथ रखकर जवाब दो, दुनिया का कौन सा ऐसा बाप होगा जिसने जिंदगी भर बच्चे से मोहब्बत तो की है लेकिन पूछने पर जवाब देगा मोहब्बत तो है लेकिन कब्र के अंदर जाने वाली मोहब्बत अभी साथ नहीं दे रही है। तन्हाई उसे अकेले गुजारना होगा,
बीवी को लाओ, तेरा शौहर अकेले है, उसने अपनी जिंदगी की कमाई को तुझ पर निसार कर दिया, तेरी ख्वाहिशात का एहतराम करने के लिए उसने अपनी जिंदगी को की कमाई को दांव पे लगा दिया, आज उसकी तन्हाई को दूर करने के लिए कब्र में आराम कर ले। बीवी का जवाब होगा नहीं नहीं, बाप को बुलाओ बेटे के साथ सो जाए, तैयार नहीं होगा। भाई को बुलाओ, भाई अपने छोटे भाइयों के मुस्तकबिल को ताबनाक करने के लिए जिंदगी की जवानी को कुर्बान करता है, लेकिन भाई अपने भाई के साथ लेटने के लिए तैयार नहीं। दोस्त अपने दोस्त के साथ तन्हाई में साथ देने के लिए तैयार नहीं। उस्ताद अपने शागिर्द के साथ तन्हाई में साथ देने के लिए तैयार नहीं। शागिर्द अपने उस्ताद से मोहब्बत करता है लेकिन कब्र में साथ देने के लिए तैयार नहीं। सब मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ये फरियाद लगाकर कब्र पे मनोतले मिट्टी के नीचे उसे दफन कर देते हैं और वापसी का रास्ता लेते हैं। आंखों में आंसू है, चेहरे पर मायूसी का आलम है, आंखें गमगीन है, बता रही है कि मोहब्बत है, इसलिए मोहब्बत का असर चेहरे से जाहिर है। बाप भी रोता है, भाई भी रोता है, दोस्त भी रोता है, पड़ोसी भी रोता है, उस्ताद भी रोता है, शागिर्द भी रोता है, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम कब्र में उसकी तनाई दूर करने के लिए कोई साथ नहीं देता। जब सब अपने अपने घरों को लौट जाते हैं, कब्र में वो बंदा अकेला होता है। अब यहाँ ना बाप है, ना भाई है, ना दोस्त है, ना उसका कोई अहबाब, ना उसका कोई हबीब है, कोई उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं। सुनियो, हम जिससे मोहब्बत का दावा करते हैं, जब कब्र में सब छोड़कर चले जाते हैं, आमिना का लाल अपने रुखे सेबा से कब्र को मुनव्वर करने के लिए तशरीफ लाता। हम मोहब्बत करें तो क्यों ना करें, क्योंकि जिनकी मोहब्बत ज़मीन के ऊपर रहने पे भी काम देती है, ज़मीन के अंदर जाने के बाद भी काम देती है, जहाँ सब साथ छोड़ देते हैं वहाँ आमना का लाल साथ देता है। इसलिए दुनिया के सारे रिश्ते छूटते हो तो छूटे, मदीने वाले से रिश्ता कभी ना छूटे। मदीने वाले से रिश्ता, मदीने वाले से रिश्ता कभी ना छूटे, क्योंकि नबी का चाहने वाला कुछ ऐसा बावफा निकला कि मरते मरते भी उसकी जबान से मुस्तफ़ा निकला। जुनून शौक अपनी हद से भी सेवा निकला, जहां मैंने जबी रख दी नबी का नक्श पा निकला। आए अपने गुफ्तगू के इख्तितामी मरहले में दाखिल करूं, वक्त बड़ी बहुत मुख्तसर सा है। बड़े से बड़े उलमाए किराम, उलमाए ज़वील एहतिशाम रौनक के बज़्म में मैंने अपनी मुख्तसर सी हाजिरी बतौर नौकरी पेश की है, उस बारगाह में कबूल हो जाए तो समझना कि यही मेरे लिए रोशन ताबनाक मुस्तकबिल का जरिया होगा। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिही व बारिक व सल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका व सल्लम। जिस बारगाह को खिराज अकीदत पेश करने और जिस बारगाह में सैल्यूट पेश करने, जिस बारगाह में सलामी पेश करने के लिए हम और आप हाजिर हैं, आप भी उसी बारगाह की भीख लेने बैठे, हम भी उसी बारगाह की भीख लेने बैठे। फर्क फकत इतना है कि आप सुनकर ले रहे हैं, हम कुछ सुना कर ले रहे हैं। ये वो जात हुजूर सय्यदी रोशन अली कादरी अलैहि रहमतु व रिदवान के जब पैदा हुए तो कुतबे बहावलपुर अलैहि रहमतु व रिदवान, जिनके ये नबीरा हैं, जिनके ये पोतरे हैं, वो फरमाते हैं कि मेरा बेटा, मेरा नबीरा, इसका नाम रोशन अली है। बुलंदवा से बोले, और बुलंदवा से, और बुलंदवा से, रोशन अली है। और आगे का जुमला सुने, फरमाया कि ये जहां होगा, ये जहां होगा वहां इल्म इरफान का एक आलम रोशन होगा। और बुलंदवा से बोले सुभान अल्लाह, ये जहां होगा वहां इल्म इरफान का एक आलम रोशन होगा। फरमाया कि ये मेरा बेटा रोशन अली है, मतलब ये कि जो इसके दामन से वाबस्ता होगा उसे अल्लाह तबारक व ताला रोशनी जरूर अता फरमाएगा। अब मैं एक मिसाल देकर अपनी गुफ्तगू को आगे लेकर चलूं। खैबर के मौके पर सरवर अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक गधा खुद को पेश करता, एक गधा, एक जानवर। सहाबा इकराम तशरीफ फरमा है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आने के बाद
यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो ये कि हुजूर जानवरों की बोली समझते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, सारी कायनात की बोली हुजूर समझते हैं। और दूसरी बात यह कि अल्लाह ने उस जानवर को इंसानी बोली अता फरमा दी कि जिसकी बोली सहाबा इकराम भी समझ रहे थे। हुजूर की बारगाह में हाजिर और आका करीम अलैहि सलातो वस्सलाम की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ अल्लाह के आखिरी रसूल, ऐ अल्लाह के आखिरी रसूल, मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूं। बुलंदवास से बोले ना सुभान अल्लाह। ये कोई इंसान नहीं है, एक जानवर है। जानवर वो जो गधा कहलाता है, जो धोबी के घाट पर नजर आता है, जो लोगों के बोझ उठाने के काम आता है, वो हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज करता है, आका मैं आपकी खिदमत में मामूर रहना चाहता हूं। उलमाए किराम बैठे, मैं इनकी तवज्जो चाहूंगा। हुजूर की बारगाह में हाजिर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहना चाहता हूँ, खिदमत करना चाहता हूँ। अब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। सहाबा फरमाते हैं कि उसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा लग रहा था कि वो हुजूर की बारगाह में ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहता है, हुजूर से बातें करना चाहता, खुशी का ठिकाना ना रहा कि इमामुल अंबिया ने उसे गुफ्तगू की इजाजत दी है, इमामुल अंबिया ने अपनी बारगाह में लबकुशाई का हुक्म दे दिया। वो अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं अपने मालिक का हर काम करता हूँ, मैं अपने मालिक के हर काम पर वक्त कर देता हूँ, वो जो कहता है मैं उसके हुक्म की पैरवी करता हूँ। आका मुस्कुराने लगे, फिर वो कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं अपने मालिक का हर काम करता हूँ, लेकिन एक काम ऐसा है कि मैं मालिक की नाफरमानी करता हूँ। हुजूर ने ताज्जुब में पूछा कि वो कौन सा काम है, तवज्जो रखेंगे। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा मालिक कहता है कि बोझ यहाँ से वहाँ पहुँचाओ, पहुँचा देता हूँ। मेरा मालिक उठने के लिए कहता है उठता हूँ, बैठने के लिए कहता है बैठता हूँ, मेरा मालिक जो हुक्म देता है करता हूँ, फकत एक काम के नहीं। आका ने पूछा, वो काम कौन सा है? वो अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा मालिक जब भी मेरी पुश्त पर बैठना चाहता है, मैं उसे अपनी पुश्त पर बैठने नहीं देता, मैं उछल कर उसे जमीन पर गिरा देता हूँ। आका ने पूछा, बात क्या है कि मालिक को अपने पुश्त पर बैठने नहीं देते? वर्ष करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे आबा अजदाद में 60 ऐसे गधे गुजरे हैं जिस पर किसी न किसी नबी ने सवारी की है, मैं अपनी नस्ल का आखिरी गधा हूं, मेरी ख्वाहिश है कि मुझ पर कोई ना बैठे, बैठे तो आमिना का लाल मुझ पर बैठता, बैठे तो मुझ पर इमामुल अंबिया बैठे। आका, आका, मेरे आबाओ अजदाद की पुश्त पर नबियों ने सवारी की है, मेरी तमन्ना है कि मैं अपनी नस्ल का आखिरी गधा, आप नबुव्वत के बाग के आखिरी फूल हैं। ऐ आका करीम, मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझ पर सवार हो। हुजूर मुस्कुराने लगे। अब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अहले इल्म की तवज्जो चाहूँगा। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा नाम यजीद इब्ने शहाब है, मेरा नाम यजीद इब्ने शहाब, हदीस पाक उठाए। अब उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, लेकिन आज से तुम्हारा नाम यजीद इब्ने शहाब नहीं होगा, आज से तुम्हारा नाम याफूर होगा। क्या नाम होगा? याफूर, या आइन फा वाव रा, याफूर। बुलंद आवाज से बोले याफूर। किसका नाम है? ये हुजूर के उस गधे का जिस पर हुजूर सवार होते थे। क्या नाम है? बुलंद आवाज से क्या नाम है? याफूर। हुजूर ने फरमाया तुम्हारा नाम याफूर होगा। अब हुजूर ने उसे अपनी खिदमत में कबूल फरमा लिया, उसकी किस्मत में कुर्बान, जिसे आमना के लाल ने अपनी खिदमत के लिए कबूल फरमा लिया। सरवर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में वो हाजिर है, काश रब तबारक व ताला हमें उस गधे के जिस्म पर उगने वाले बाल की सूरत में पैदा करता, ताकि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म नाज़रीन को बार बार बोसा लेने का मौका मिलता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूल फरमा लिया। ये खैबर का वाकया। अब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस गधे को लेकर मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे। अब तवज्जो की बात, मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे। अभी चंद दिन पहले, यानी 20 से 25 दिन पहले, मुझे मदीनतुल मुनव्वरा की बहारें देखने का मौका नसीब था। माह रमजानुल मुबारक का रब तबारक व तआला ने उमरा अता फरमाया। काश अल्लाह करीम हर मोमिन को माह रमजान का उमरा नसीब फरमाए। जिन्होंने देखा है मौला, उन्हें बार बार दिखाए। जो देखने की तड़प और तमन्ना रखते हैं रब्बे करीम, इस मुबारक इजलास के तुफैल रब तबारक व ताला उन्हें जल्द से जल्द मदीनतुल मुनव्वरा की हाजिरी नसीब फरमाए। वो मदीनतुल मुनव्वरा में पहली बार आया, तवज्जो रखेंगे। कितनी बार? पहली बार। कितनी बार? पहली बार आया। मैं चुरू में पहली बार आया, इस सरजमीन पर पहली बार आने का मौका मिला। कल अगर कोई मुझसे कहे कि जाओ फलां के दरवाजे पर जाओ, मैं रास्ता भटक जाऊंगा।
अभी मैं गाड़ी पे बैठकर होटल से यहाँ तक आया, अगर कोई मुझसे कहे कि मैं आपको बाइक देता हूँ वापस होटल तक चले जाओ, मैं नहीं जा पाऊँगा। इंसानी जहन है, मुगालता हमारे जहन में, गलतियाँ हमारे जहन व फिक्र में, हम नहीं पहचान सकते, क्योंकि एक मरतबा में इंसान रास्ता नहीं पहचान सकता। लेकिन कुर्बान, हम और आप नहीं पहचान सकते, ये हुजूर की सवारी थी। वो गदा हुजूर की बारगाह में आया और मदीनतुल मुनव्वरा में पहली बार आया। कितनी बार? बुलंद आवाज़ से, कितनी बार? अब हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जब वो गदा मदीनतुल मुनव्वरा में आया, मदीने के बाजार पहली बार देखता है, मदीने की गलियों पे उसकी पहली नज़र पड़ती है। लेकिन आया किसी और को, किसी और की सवारी बनकर नहीं, इमामुल अंबिया की सवारी बनकर आया था। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसे अपनी खिदमत में कबूल फरमा लिया। अब तवज्जो चाहिए, उलमा की दाद चाहूँगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहने लगा। उसने मदीने के बाजार नहीं देखे थे, मदीने की गलियां नहीं देखी थी, मदीने के बाग़ो बहार का इससे पहले उसने कोई मुशाहिदा न किया था। बस फकत मुस्तफ़ा की माइयत हासिल हो गई थी। लेकिन सहाबा फरमाते हैं कि अगर पैगंबर इंसानियत मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी जबान से किसी सहाबी के बुलाने का की बात करते, तो खुदा के इज्जत और जलाल की कसम, कभी ऐसा ना हुआ कि सहाबी घर के अंदर हो और गदा बाजार चला जाए। सहाबी जहां होता था, गदा उनके पास जाकर मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंचा दिया गया। हुजूर किसी सहाबी को बुलाने का हुक्म देते, सहाबी अगर घर में होते तो गधा दरवाजे पे जाकर अपनी गर्दन से दस्तक देता था। सहाबी अगर घर में नहीं बाजार में होते तो हुजूर को यह बताना नहीं पड़ता था कि मेरा सहाबी बाजार में है। गधा खुद ब खुद चलते हुए बाजार पहुंचता था और उसके पांव सहाबी रसूल के पांव के करीब अपनी गर्दन को मारता था। मुस्तफ़ा करीम के सहाबी समझ जाते थे कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने याद फरमाया। ये तो बड़ी ताज्जुब खेज बात। हम हुजूर के इल्म गैब पर बात करेंगे तो गधे की बात देखो। आओ इससे भी ज्यादा ताज्जुब खेज बात सुनाओ, ये तो बड़ी ताज्जुब खेज बात है। सुनियो बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम कभी कहते उसे बुलाओ, जाकर उसे बुला लेता। लेकिन कुर्बान मेरे पैगंबर आका करीम अलैहिस्सलाम की निस्बत का एजाज देखे। हुजूर के तमाम सहाबा इकराम में तकरीबन 24 सहाबा ऐसे हैं जिनका नाम अब्दुल्ला है। 24 सहाबा ऐसे हैं जिनका नाम अब्दुल्ला है, लेकिन उनके कुन्नियत उनके साथ है। कोई अब्दुल्ला इब्ने उमर है, कोई अब्दुल्ला इब्ने जुबैर है ना, उनकी कुन्नियत उनके साथ। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब किसी अब्दुल्ला को बुलाना चाहते, कुन्नियत का लफ्ज इस्तेमाल न करते, 24 सहाबा में से जिस अब्दुल्ला को हुजूर अपनी बारगाह में देखना चाहते, गधे से फकत इतना कहते, जाओ अब्दुल्ला को बुलाओ, मुस्तफा की मुराद को पहचानते हुए गधा उसके दरवाजे पे चला जाता। ये पैगंबर इंसानियत की शान तो देखे। जरा सोचो तो सही कि जिस नबी के जिस्म से मस, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का जिस्म उस गधे से मस हुआ, तो गधे की आंखों को अल्लाह ने वो नूर अता फरमाया कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की मुराद को पहचानने वाला बन गया। जरा अंदाजा तो लगाओ कि जिस पीरे कामिल और मर्द कलंदर के 300 साल जश्न में हम और आप शरीक हैं, वो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का खून अपनी रगों में रखा करता है। हम उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने आए, हम इन सादात कराम के हाथों को बोसा देते हैं तो इसलिए नहीं कि इनका चेहरा खूबसूरत है, इनका लिबास खूबसूरत है, इनका चलना फिरना खूबसूरत है, नहीं। हम जब बोसा देते हैं तो इनके हाथों को नहीं देते, हम उस डीएनए को देते हैं जिनका डीएनए मुस्तफ़ा करीम के डीएनए से मैच करता नजर आता है। तो सुनियो, अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ कि रब तबारक व तआला ने हुजूर सगदी रोशन अली कादरी अलैहि रहमतु व रिजवान के आस्थाने का भिखारी बनाया है। और एक बात कहकर अपनी गुफ्तगू को समेट लेता हूं। कुतुबे बहावलपुर ने फरमाया था कि ये रोशन अली है, ये जहां होगा वहां इल्म और इरफान का एक जहां रोशन होगा, एक आलम रोशन होगा। नतीजा ये निकलता है कि चूरू की सरजमीन वालों, यहां अगर किसी को इल्म की खैरात चाहिए तो वो किसी मदरसे, किसी जामिया और किसी यूनिवर्सिटी से बाद में मिले, पहले तुम्हें दरबारे कुद्स की हाजिरी देना होगा। यहां किसी को विलागत अल्लाह तबारक व तआला की इज्जत और जलाल की कसम, किसी वली को विलागत उस वक्त तक नसीब नहीं हो सकती
जब तक कि हुजूर सैयदी रोशन अली कादरी अलैहि रहमत व रिजवान की निगाह इल्तिफात ना पड़े, इनकी मुहर ना पड़े, इनका दस्तखत ना हो। हमें इस आस्ताने की लौ और इस आस्ताने की नस्बत हमें अपनी मर्जी से नहीं, रब तबारक व तआला की मशीकत से हासिल हुई है। इस करम पर बार बार कुर्बानियाँ पेश करें कि रब तबारक व तआला ने किसी ऐसे वैसे का भिखारी नहीं बनाया, उस दरबार का भिखारी बनाया है कि जिनके लिबास का आलम यह है कि आज भी उस लिबास से खुशबुए गौसे आज़म मिला करती है, जिनके कद और कामत के बारे में लिखा है कि कद और कामत को देखो तो ऐसा लगता है कि गौसुल आज़म के बेटे सैयदना अब्दुर रज़्ज़ाक कादरी अलैहि रहमत व रिजवान का कद और कामत नज़र आता है। तो उस आस्ताने के भिखारी बनो कि जिस आस्ताने को कहीं और से नहीं डायरेक्ट गौसे पाक के दरबार से नस्बत है। किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहाँ की हुकूमत मिली है, हम अपने मुकद्दर पर क़ुरबान जाए, हमें गौसे आज़म की नस्बत मिली है। वाखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह।